सर नमस्ते, आप गंजी हो जाओगे? पिछले 9 घंटे से वो शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ड्रेस हमारी हो गई है फाइनल। तो गाइस पता नहीं हम लोग ना शायद रास्ता भटक गए, हम इनके पास कड़ा नहीं है। मैंने सोचा था कि अरमान जी को सरप्राइज दूंगी, बट ये सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया, क्योंकि पापा ना बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कड़ा देख के। भाई ये सुबह से निकली हुई है दोनों लड़कियां, कभी पाइप नुकसान मेरा ही है, अकाउंट में से तो मेरे गए। चलो वर्कआउट करने दो, पकाओ मत मुझे ना। चीकू बेटा कड़ा दे दे, खो जाएगा दीदी। बेटा क्या कर दिया तूने, पनीर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया आज मेरी दोनों धर्म पत्नियां गई हैं शॉपिंग करने के लिए। पायल शॉपिंग करवा रही है गोलू को एनिवर्सरी की, और चीकू आज गया नहीं था, तो चीकू थोड़ा सा परेशान है घर में अकेला। नहीं हाँ जी बाबा, बहुत। और सब बच्चों की जिम्मेवारी हम दोनों बाप बेटे पे। क्या कर रहे हैं अयान और वो? अयान और वो अभी कल बता दी पापा, अभी लेट हुए हैं खेलने। हाँ जी सर नमस्ते, कैसे हो सर आप? खाना खा लिया आपने? घूमने चल रहे हैं आपको? कल परसों हम लेके जाने वाले हैं बच्चों के बाल उतरवाने के लिए। आप गंजी हो जाओगे फिर, सर्दियों में कैप पहन लेना, किसी को पता ही नहीं लगेगा गंजी हो गए हो। ठीक है। तो अयान बिल्कुल ना बदमाश हो गया आजकल, सीधा लेटता ही नहीं है, घूम जाता है ना, सीधा नहीं लेटता ना। अच्छा पापा ये घूम तो जाता है लेकिन मैं पलट नहीं मारता, ऐसे 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 नहीं कर पाता, गिरने का खतरा रहता है, गिरने का खतरा रहता है। हाँ बताओ कैसे घूमोगे, घूम के दिखाओ, दिखा दो, दिखा दो मेरी बेटी। अरे काकी है तू, छोटा बांदरू है, छोटा सा बांदरू, छोटा सा बांदरू, घूम के दिखाओ फटाफट। शिकुद्रु कैसा लगता है तू बड़ा भाई इनका? बहुत अच्छा लगता है पापा, बहुत मजा आता है इनका साथ खेलने का। तो आज गोलू और पायल इतनी धमाकेदार शॉपिंग करके आने वाले हैं ना, मुझे लग रहा है पूरी गाड़ी भर देंगे आज वो दोनों। और पिछले बहुत देर से मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कहाँ रह गए कहाँ रह गए। तो अभी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, साथ में पूजा भी है, और वो यहाँ से निकले थे नियर अबाउट 12 बजे के आसपास सुबह। तो अभी लगा लो 10 बज गए, पिछले 9 घंटे से वो शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक पापा आन दो, बदला लूंगा मम्मा से। किस बात का बदला लूंगा कि मेरे को क्यों नहीं लेके गए? कहाँ ध्यान है भाई जैद, कहाँ ध्यान है? मम्मा कहाँ दे रही? मम्मा तो भैया तीनों बच्चे यहीं पे हैं। वो देखो घूम गया, वो घूम गया, वो देखो वो भी घूम गए। ये स्कूल का वो नहीं होता बच्चों का, क्या होता है क्रच? हाँ चिकु बच्चों का क्रच खुला हुआ है ना? नहीं पापा। हाँ जब बंक मारते हैं ना। हाँ तो दीवार से टापते हैं। हाँ टापने वाले हो रहे हैं। अच्छा लात लगा देगा देखो। हाँ भाई आप भी तो कुछ बोल दिया करो, आप भी तो कुछ बोल दिया करो। बंदरू का बच्चा ऐसे बंदरू की तरह देखता रहता ना, वो गंदे बंदू की तरह देखते रहते ना। तो गाइस फिलहाल एक और शॉप पे पहुंच गए हैं हम, और आपको पता है बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया इनको पहले ही। तो हम आए हैं फिर से इनके पास कुछ डिजाइन कराने, क्योंकि हमें जाना है एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी में जो कि है दिवाली पार्टी, और उसके लिए ना गोलू ने कुछ अलग सा ही सोचा है, वो अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा हमें पहने हुए। तो इसके लिए गोलू अपना मेजरमेंट दे रही है, कुछ ऐसा ड्रेस पहनने वाले मैं और पालना बिल्कुल हटके डिफरेंट डिफरेंट, मतलब की मैं हिंट भी देंगी, मैं सीधा दिखाऊंगी, तो उसके लिए मेजरमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ड्रेस हमारी हो गई फाइनल, बस अभी मेजरमेंट दी। और आपने देखा होगा कल एक फोटो में, मतलब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, जिसमें अरमान जी ने ब्लैक कलर का बहुत ही प्यारा 3-पीस सूट पहना था, वो भी इन्होंने डिजाइन किया है। तो अगर आपके हस्बैंड्स के लिए आपको कुछ गिफ्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। पता नहीं हम लोग ना शायद रास्ता भटक गए, हम पिछले 15-20 मिनट से ना एक ही रोड पे घूम रहे हैं। आगे जो कभी कभी ऐसा होता है गूगल मैप्स ना आपको इतना घुमाता है पता नहीं चलता। तो भैया मुझे टिश्यू दे रहे हैं, ये कैमरा साफ कर ले। फिलहाल ना फिलहाल मैं बता देती हूँ, फिलहाल हम लोग आए हैं अरमान जी के लिए ना, इसने गोलू ने अपनी तरफ से एनिवर्सरी गिफ्ट बनवाया था कुछ, तो बस वही देखने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम था, हमने साथ में इनका काम भी साथ ही करवाया है कि चलो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो बस आपको दिखाते हैं कि हमने अरमान जी के लिए क्या लिया है। तो गाइस मैंने ना ये वाला कड़ा देखा इनके लिए, क्योंकि ना मुझे ये कड़ा बहुत ज्यादा सुंदर लगा। तो गाइस इसमें ना 2 डिजाइन थे, मुझे ना ये वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ना गर्लिश लग रहा था, और ये वाला डिजाइन में क्या है ना इसमें मतलब की लुक अच्छी आ रही है, तो मैं ये वाला फाइनल करूँ इनके लिए। तो गाइस अरमान जी के लिए ना बहुत सारी चीजें थी दिमाग में की क्या लू क्या ना लू, क्योंकि देखो एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, तो मेरा मन था कुछ ऐसा गिफ्ट करूँ जो ये ना लाइफ टाइम अपने पास रखे, और होता है ना गिफ्ट से ना इंसान को याद रहता है, वैसे तो मैं साथ में रहती हूँ, बट फिर भी पहले मैंने सोचा था कि चेन दूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार चेन तो ना
इनको वही पसंद है जो ये पहनते हैं, क्योंकि इसमें 9 नंबर का लॉकेट अटैच है तो इनको वही पसंद है। बाली इनको दे नहीं सकती क्योंकि बाली भी इनको अपनी जो गोल्ड की बाली ना, नहीं इनके पास और भी बाली है बहुत सारी, पर पहनते वही बाली है। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, सबसे डिफरेंट ना इनको कड़ा देती हूँ, इनके पास कड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने कड़ा बनवाने का आइडिया जो था ना वो था मेरा। और मुझे पता नहीं था कि मुझे सरप्राइज मिल जाएगा, पायल की तरफ से बहुत ही सुंदर इयररिंग्स मिले हैं जो कि मुझे ना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। ये वाले जो इयररिंग्स है ना गाइस मेरे हाथ में है, और ये इयररिंग्स बहुत सुंदर है, मल्टी कलर काम है, और ना मतलब जैसे कुंदन ज्वेलरी बोलते हैं ना कुछ ऐसे, ये कुंदन गोल्ड ज्वेलरी है। और ये वाले इयररिंग्स ना मैं करो चौथ पे वेयर करूंगी, तो थैंक यू सो मच पायल, बहुत अच्छे लगे। दिखा तो दे पास से। ये है इसका डिजाइन और बहुत ही सुंदर है। अभी थोड़ी ना गाड़ी हिल रही है हमारी, तो थोड़ा ऐसा हो रहा है, मैं जब वेयर करूंगी ना तब आप देखना बहुत ही खूबसूरत। मैंने सोचा था कि अरमान जी को सरप्राइज दूंगी, बट ये सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया, बहुत ही अच्छा सरप्राइज था। बस वेट नहीं हो रहा कि कब मैं इसे वेयर करूं, तो मैंने सोचा हुआ है कि पक्का ना इसे करवा चौथ पे वेयर करूंगी, कोई ना कोई फेस्टिवल सीजन पे वेयर करूंगी, क्योंकि ये जो इयररिंग्स है इनका ट्रेंड कभी नहीं जाएगा। और अरमान जी उन्होंने मेरे को बोला था कि पायल कुछ ऐसा लाइयो जो ये पहन सके, तो ये मैं टॉप्स वगैरह नहीं पहन सकती क्योंकि इसके ये ना छोटे से हैं, क्या कहते हैं कान के नीचे का जगह जहाँ पे ये होल होता है ये वाला, वो बहुत छोटा है, तो टॉप्स नहीं इसको जचते नहीं है, वो टॉप्स ना मम्मी एक्यूरेट बनवा पाती है इसके ना छोटे छोटे। मैंने कहा झुमकी अच्छे से पहन लेती है तो झुमकी स्टाइल ले लेती हूँ, तो मैंने इसके लिए झुमकी स्टाइल लिया। क्योंकि पापा ना बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कड़ा देख के, क्योंकि ना ये सच में बहुत ही सुंदर है, इसका जो डिजाइन है बहुत ही यूनिक सा है, और ना जो चीज ना हो ना आपके पास वो पहनने में अलग ही मजा आता है, और मैंने कभी इनको देखा नहीं। वैसे ये ब्रेसलेट पहनते हैं शौक से, ब्रेसलेट पहनते हैं अपना, बट अभी क्या कभी कभी फौरन चेंज ना, कड़ा भी अच्छा लगता है ना भाई कुर्ते पजामे के साथ, कड़ा अच्छा लगता है, कड़े की लुक अलग ही आती है। फाइनली ना भाई घर आ गए हैं, मजा आ गया घर आकर, ऐसे लग रहा है जैसे आज तो ना ट्रैवलिंग करी बहुत ज्यादा, पर ठीक है पायल हमने बहुत सही टाइम पे ना ट्रैवलिंग कर ली, हमने हमारी जो शॉपिंग है ना करवा चौथ की बहुत ही सही टाइम पे कर ली। पता भी नहीं चलता करवा चौथ कब आ जाता है, और क्या आने वाला करवा चौथ तो ना, और 30 तारीख की पार्टी हमारी इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी है, उसके लिए तो ड्रेस हमें चाहिए ही चाहिए थी, पर काम निपटा यार बहुत बड़ा दिमाग में वो था। ये वाला जो मौसम है ना ये एसी का मौसम नहीं है बिल्कुल भी, अब मतलब समझ आ गई। और पायल तुझे पता कल भी मैंने एसी नहीं चलाया था, तो कल चीकू के पापा पायल बर्थडे पार्टी में गए हुए थे ना, तो ये थोड़ा सा लेट आए थे, तब भी मैंने एसी नहीं चलाया था क्योंकि यार मौसम इतना ठंडा हो रहा है, एसी चलाने को हो ही नहीं रहा। मुझे एक बात बता मेरी चॉइस कैसी है। नहीं सच में मैं ना यही देख रही थी कि तो कलर भी इतना प्यारा, ऊपर से मटेरियल इसको फिट भी बहुत अच्छा है। मैंने इसको मैं तो कुछ और पहन रही थी। अच्छा सीरियसली कह रही हूँ तू ये बता, अच्छा तेरे को भगवान की कसम हो गया, तू एक बात बता, तूने जिंदगी के अंदर 6 साल हो गए हमें, 6 साल में तूने मुझे कोई भी चीज इतनी ज्यादा पसंद आई हो, तूने मेरे को बोला एक बार कि गोलू ये मत ले, मैंने क्या बोला है? अच्छा मेरी दो तारीफ करी, दो क्वालिटी मेरे को भी लग रही, प्लीज कर ले दो तारीफ। कभी कभी गोलू ना गोलू की चॉइस बहुत अच्छी होती है, कभी कभी। अरे ये मेरे हाथ कांप रहा है, मुझे ठंड लग रही है। चल देखो भाई ये सुबह से निकली हुई है दोनों लड़कियां, 12 बजे निकले थे, समझ लो 12 बज गए, 11:30-12 बजे घर आई है। कहाँ थे भाई तुम? शॉपिंग करके करवा चौथ किसके लिए रखेंगे हम? तुम्हारे लिए, आपके लिए रखेंगे, मेरे लिए थोड़ी रखोगे, खुद के लिए रखोगे, बर्थडे के लिए होता है, किसके लिए होता है? तो उसकी शॉपिंग तो करनी बनती है ना, तुम वर्कआउट तो करोगी नहीं? नहीं अब नहीं, आज नहीं, जाओ फिर सो जाओ। आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, दो फिर आंखें बंद करो। अरे क्या बात है, कैसे लगा? अच्छा ये आपकी तरफ से गोलू, ये एनिवर्सरी गिफ्ट है। अच्छा तो तुम दोनों अपनी सलाह कर गए? नहीं आपने कहा था तू ले आई अपनी पसंद से, तो मैंने इसके लिए झुमकी ले ली। या चीकू तेरा बेटा, ये ना तेरा फायदा होगा, ये तो मेरा नहीं आए। शिट यार, शिट क्या है इसका, तो मैंने अंदाजा नहीं लगाया था इसको हटा दिया प्योर शिट यार। कोई बात है तू एक काम करते हैं ना, साइज चेंज करवा लाएंगे कल, कोई नहीं ये पहन लेगा, इसका कौन सा दिक्कत है, यही की बात है, इसको पहन ले। अच्छी लग रही है करवा चौथ पहनूंगी, अब ये दो है ना कभी पाइप पहन लेंगे, नुकसान मेरा ही है, शॉपिंग करके लाए अकाउंट में से तो मेरे गए, और एनिवर्सरी गिफ्ट तो देना, गिफ्ट गिफ्ट होता है। देखो चीकू के पापा ने बोला था कि हम डायमंड प्ले बटन की और एनिवर्सरी की पार्टी एक साथ करेंगे, पर वो अभी प्रोग्राम हमारा बन ही नहीं सका, तो फिर वो ज्यादा लेट हो जाता, इसलिए हमने गिफ्ट कर दिया। चलो बिल्कुल, और आपको याद है अपनी पायल की और आपकी एनिवर्सरी पिछली बार, तो आप हमारे लिए वो लेके आए थे, क्या लेके आए थे, कड़ा लेके आए थे, हाथ वाले कड़ा लेके आए थे, और लेके आए थे, तो इस बार हमने सोचा थोड़ा सा रिच वाला आपको गिफ्ट, खुद का गिफ्ट है नहीं। अच्छा एक, अच्छा दो जोड़ी नहीं होती फिर, अगर महंगी होती तो दोनों के लिए। चलो वर्कआउट करने दो, पकाओ मत मुझे ना। चलो फिर हम जा रहे हैं लेके, हैं चीकू बेटा कड़ा दे दे, खुश है कर दे बेटा, पहनने दे, कभी शादी शुदू में पहनी हो, पहनने दे, छोड़ दे, नहीं दे कुछ, घूमने थोड़ी वो बच्चा थोड़ी है, वो 9 साल तो है वो।
चल सुबह स्कूल जाना चलो। तो घर आने के बाद ना अरमान जी अभी जिम गए हुए हैं और अभी ना गाइस टाइम क्या हो रहा है आपको दिखा देती हूँ। 11:45 हो रहे हैं और ना जस्ट ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर करा क्योंकि कल क्या था, कल ना हम इनकी मील बना रहे थे तो हमारे पास ना स्वीट कॉर्न नहीं था और जैसे मैं घर पर आई ना तो देखा ना रैप था क्योंकि कल लास्ट 2 रैप बचे थे खत्म हो गया, तो मैंने फटाफट ना ब्लिंकिट से रैप मंगवाया और पनीर मंगवाया और कॉर्न मंगवाया कि ना पायल ना पनीर रैप बना सके। तो बस सारा सामान आ गया है। ठीक है पायल, मैं जा रही हूँ, मैं चॉपिंग कर देती हूँ फटाफट ना क्योंकि वो तो साथ के साथ तुरंत ही गर्म होगा। अब रैप तो मिले बना दी, तुम दोनों के लिए बना दूंगी, तेरे लिए और इनके लिए। तू नहीं खा रही? मैंने नहीं खाई, मैंने रोटी और वो खाई है, मूली की भुर्जी बनी हुई थी, बड़ी टेस्टी। तो गाइस आज के रोल में है कैप्सिकम तीनों तरीके की, बेल पेपर बोलते हैं ना पायल, जो मैं देखो बता देती हूँ, जो ग्रीन वाला होता है ना उसे हम कैप्सिकम बोलते हैं, जो रेड और येलो होते हैं ना उसे हम बेल पेपर्स बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, मैं बोली तो होती तो शिमला मिर्ची है बट ये नहीं पता, मेरे को पता है बेल पेपर्स बोलते हैं, इतना पता है। तो एक साइड मैंने पनीर काट लिया थोड़ा, और क्योंकि तुझे भी खाना है ना, थोड़ा सा और पनीर काट लेती हूँ। यहाँ पे पनीर, कैप्सिकम तीनों, हरे वाले कैप्सिकम, बेल पेपर लाल वाली पीली वाली, और यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न जो है बॉइल करने के लिए रखती हूँ। तो अभी मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो गया ना, हे गोलू आज ऊपर आए तो कितनी ठंड थी ना, मेरे को भी ठंड लग रही है, इतनी ठंड, और बच्चे ना बिना पंखे के सो रहे हैं। चीकू कह रहा है एसी चला दो मम्मा, पागल है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, ठंडी इतनी हो रही है एसी चला दे, फिर उसको वो तो सो गया है। और साथ में मैंने ना फ्रिज में से सारे फ्रूट्स निकाल दिए क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना गोलू, ठंडे ठंडे बिल्कुल निकले हुए फ्रूट्स नहीं खा सकते, तबीयत खराब हो गई, मैंने निकाल के। वैसे भी पायल हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चों को देखते हैं ना। बोलो एक वो दे मुझे, ये पानी मिला के रख लिया। तो गाइस ये जो पैकेट वाले पनीर होते हैं ना, ये क्योंकि प्रिजर्वेटिव इसके अंदर होते हैं तभी ये इतना चलते हैं। तो जब भी आप पैकेट खोलते हो ना पनीर को, हमेशा वैसे तो तुम आप लोग करते ही होंगे, इतना तो सबको पता होता है मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि पनीर अगर आप रखते हो ना तो उसको एक बार पानी में डाल के फिर रखो फ्रिज में, वरना अगर वो एक तो वो कड़ा कड़ा हो जाएगा इसमें से निकलने के बाद, और दूसरा जल्दी खराब हो जाएगा। यार कल चीकू को फिर स्कूल जाना है ना सुबह सुबह, स्कूल तो रोज ही जाना है, ये मैंने अपने लिए निकाला है। अच्छा मुझे लगा इतनी देर से बेचारी को ढूंढ रही है, लगता है मेरे लिए पनीर की कटोरा ढूंढ रही है। मैं इसको मिक्स करूंगी ना उसके साथ, तेरे को एक काम दिया वो, उसमें भी तेरे को मेरी हेल्प चाहिए, लाइट चलेगी तेरी इतनी कड़वी बात से, लाइट चलेगी। और ये रही लाइट आ गई, लाया तूने? हाँ बस एक मिलाने का काम दिया था गुलू मंत्र को, क्या कर दिया तूने, पनीर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, सही मिक्स कर रखा मैंने इसमें, वाले पनीर ही ऐसा था टुकड़ा टुकड़ा सा ऐसा पनीर था। चुप रह, दिमाग खराब करते हैं मेरा। तो जब तक हरमान जी जिम कर रहे हैं तब तक मैं सोच रही हूँ गोलू के साथ जाके आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर उसको पढ़ने में ना हमें लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो टाइम है, टाइम 12 बज रहे हैं, तो अभी जाते हैं और पढ़ के आते हैं। और ये वालियाँ मैंने आज आपको दिखाई थी ना, मुझे बहुत प्यारी लगी, तूने निकाल दी? क्यों दर्द हो रहा था काम, मैं भी निकाल दूंगी ना, कलर निकल जाएगा इसका ना। हाँ कलर भी निकलेगा और फिर आर्टिफिशियल से, और मुझे ब्रेसलेट भी निकालना। और गाइस मैंने आज ये ना बहुत प्यारी चेन भी पहनी थी, बहुत सुंदर सी, ये भी निकाल दूंगी। और साथ ही साथ ना आपको दिखाती हूँ, अंधेरा हो रहा है, आपको साथ ही साथ दिखाती हूँ यहाँ पे जो है सारे बच्चे सो रहे हैं। तो गाइज एक चीज और बतानी है आपको, हमारा गाना आ चुका है सरचा एंडी छोरा नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जिसने अभी तक गाना नहीं देखा है जल्दी जाके गाना भी देख लीजिएगा। और गाने में ये वाला चेहरा, ये चेहरा भी दिखेगा, अरमान मलिक भी देखेंगे। जिसने गाना नहीं देखा है जल्दी जाके गाना भी देख लो, ये देखो जिनका नाम गया वो आगे। चीकू के पापा, आप अभी रैप खाओगे? मैंने फ्रूट्स निकाल के, मेरी इच्छा नहीं है, मैं पीऊंगा प्रोटीन, साथ में सैलेड, कोई रैप शेफ कार्ब्स नहीं खा रहा मैं आज, क्योंकि कल पार्टी में उल्टा सीधा खाना हुआ था। हाँ ये तो है, पर एक काम करना ना, मैंने सारे फ्रूट्स फ्रीज में से निकाल के रखे हुए हैं, वो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए तब तक आप प्रोटीन ले लो, फिर फ्रूट्स खा लेना। ठीक है। तो गाइस रात के ना बज गए 3 और ना मैं अरमान जी पायल ना बैठ के ना 1 घंटा बातें करी, बहुत सारी बातें करी इधर उधर की, कि क्या क्या शॉपिंग करी, कैसे शॉपिंग करी, क्योंकि आज सुबह से ना बाहर थे ना, मतलब मॉर्निंग में गए थे नाइट में घर पर आए, तो फिर पूरा दिन ना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, तो बैठ कर अभी टाइम स्पेंड करा। तो बस अब आ रही है बहुत तेज की नींद, पायल तो सो गई है, चीकू का कल मॉर्निंग में स्कूल है, वो भी काफी टाइम से सो गया है, तो बस मैं भी सोने जा रही हूँ। सोने से पहले ना आप लोगों को बता रही थी कि हमारा न्यू सॉन्ग आ गया है सर्च एंडी छोरा, जिसने अभी तक नहीं देखा कि नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। और अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि आपको जो हमारा न्यू गाना है कैसा लगा है, क्योंकि इस गाने में मैं पायल अरमान जी तीन हुए, साथ ही साथ इन्होंने इस गाने को गाया भी है, तो ये गाना बहुत ही ज्यादा प्यारा सॉन्ग है। तो प्लीज गाइस बहुत सारा ना शेयर करना इस गाने को, और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए ताकि ये जो गाना है ना ये हिट हो सके। तो गाइस बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।